खरगोन जिले के भगवानपुरा में जागृत आदिवासी दलित संगठन ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन तथा सुप्रीम कोर्ट के कानून को लेकर तहसीलदार कार्यालय को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 को पारित हुए आज 13 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी देश भर में आदिवासी परिवार कानून में सुनिश्चित किए गए पारंपरिक अधिकारों से आज तक वंचित हैं। आदिवासियों पर लगातार बढ़ते अत्याचारों के सिलसिले को खत्म करने के लिए बना था, परंतु वन विभाग ने इस कानून को कभी स्वीकार नहीं किया। इसी कारण लाखों आदिवासियों के दावे को बिना कानूनी जांच किए निरस्त कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के 13 फरवरी 2019 और 28 फरवरी 2019 के आदेश के बाद प्रदेश के 3.5 लाख से भी ज्यादा आदिवासियों पर बेदखली की तलवार लटक रही है। देश की आज़ादी में आदिवासियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भगवानपुरा से सूर्य प्रताप की रिपोर्ट। ज्ञापन सौंपा गया, ये पिछले 6 महीने पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निकाला था कि 13 लाख आदिवासियों को जमीन से बेदखली का आदेश निकला था, तो बीच सामने चुनाव आने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को स्थगित किया था। तो अभी ये 24 जुलाई को और वो सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेदखली का आदेश निकाला था जो वापस लिया जाए, और जो वन अधिकार कानून 2006 के तहत जो कानून बना है उसी कानून के अंतर्गत जो जिन लोगों के ज़मीन पट्टे नहीं दिए और जिन लोगों की ज़मीन के पट्टे निरस्त किए गए हैं उनके वापस पट्टे दिए जाए और उन लोगों को वापस सर्वे किया जाए और वास्तविकता किस कारण से वो निरस्त हुआ वो देखा जाए, जांचा जाए और वापस फिर से उनका सर्वे किया जाए और पट्टा बनाया जाए। मांगे न माने जाने की स्थिति में आगे की प्रक्रिया, मांगे न माने जाने पर खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर तथा अन्य जिलों से सभी आदिवासी रोड पर उतर कर सरकार को आदिवासियों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होने का एक ताकत दिखाई जाएगी। खरगोन जिले के भगवानपुरा विकास खंड के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर तिरंगे का बड़ी धूमधाम